नाजरीन आदाब, में हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज। नाजरीन आज की नशरियत में आपका कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके फैलाव को रोकने के लिए तेलंगाना स्टेट बेहतरीन इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने अपनी तेलंगाना स्टेट को मुल्क के लिए एक मिसाली बनाने के लिए इस सिलसिले में यानी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर KCR ने दोनों हाथ जोड़कर आवाम से इस हवाले से अपील की थी कि वो तावुन करें। बहरहाल हुकूमत को वायरस रोकने के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम और कदम उठा रही है, लेकिन अवाम बिलखसूस नौजवान ये बात को शायद हल्के में ले रहे हैं। जनता कर्फ्यू के ऐलान के दिन तो अवाम ने 100% उस पर अमल करते हुए उसको उस लागू करने पर मुकम्मल अमल किया, लेकिन जैसे ही KCR लॉकडाउन को एक्सटेंड करते ही वही लापरवाही सामने आ रही है। इस सिलसिले में पुलिस के अहलकार बार बार घरों तक महदूद रहने की अपीलों के बावजूद अवाम सड़कों पर और बिलखसूस नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर सिटी ऑफ हैदराबाद ने बिला जरूरत घूमने वाले नौजवानों को और उनकी गाड़ियों को जब्त करने की हिदायत जारी की है। इस सिलसिले में पुलिस चौकसी इख्तियार करते हुए बहादुरपुरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार बिला ज़रूरत सफ़र करने वालों की गाड़ियों को चेक करते हुए उनसे सफ़र करने की वजूहात मालूम करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जबकि इतलात के मुताबिक रंगारेड्डी इलाके में इस सिलसिले में गाड़ियां जब्त करने की भी इतलात मिल रही है, ताहम हम इसकी तस्दीक करने से खासर है। बहरहाल नाजरीन ASJ न्यूज़ आपसे ख्वाहिश करता है कि आप अपने आप को अपने घरों तक ही महदूद रखें और पुलिस और हुकूमत की जानिब से जो हिदायतें जारी होती है उस पर मुकम्मल अमल करें। ये हमारे मफाद में ही है और बाहर अगर निकले तो हाथ मिलाने से गुरेज करें और एक दूसरे से एक गज का फासला यानी 3-6 फीट का फासले से अपने दोस्त अपने अहबाब से मुलाकात करें और इसके अलावा अपने चेहरों को ढांकते हुए आप बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। बहरहाल नाजरीन देखते रहिए ASJ न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब रिपोर्टर मुस्तफ़ा के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज सुबह शाम में 6:30 से लेकर सुबह में 6 बजे तक कर्फ्यू डिक्लेयर करा गया है और हमारा CP साहब का ऑर्डर से जो भी गाड़ियां बोले तो भी नहीं चलाया तो गाड़ी सीज करके डिटेन करना बोल के हमारा कोई इंस्ट्रक्शंस मिला है। ओनली इम्पॉर्टेंट व्हीकल्स एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड और मेडिकल फार्मास्यूटिकल व्हीकल्स और मिल्क वैन्स ऑयल वैन्स ये ओनली ये व्हीकल्स को छोड़ना है और बाकी का पूरा गाड़ियों को सीज करने का लिए हमारा को इंस्ट्रक्शंस है और हमारा रिक्वेस्ट क्या है पब्लिक से, कोई भी बाहर नहीं आना, घर में रहना है, खास करके 60 ईयर्स एबव आदमी पूरा घर में ही रहना है और 10 साल से अंदर बच्चे पूरा घर में ही रहना है। ये सबके लिए अच्छा रहता है और अपना गवर्नमेंट के इतना रिक्वेस्ट को मान के पब्लिक पूरा हमारा साथ देता बोल के सोच रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे, पब्लिक को अवेयरनेस भी करें, हम तो अभी शाम तक अवेयरनेस कंडक्ट करें। अभी डायरेक्ट कर्फ्यू ऐलान हुआ है उस वजह से हमारा ट्रैफिक पुलिस एंड लैंड ऑर्डर पुलिस पूरा ये इंतज़ाम करे सो है, गाड़ियां सीज करने के लिए हमारे को आदेश है।
खास करके साथ नौजवान बच्चे जो खेल रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नौजवान बच्चे अगर गाड़ी में दिखे तो उसको सीज करके गाड़ी डिटेन करके रख लेते, केस बुक करके उसको सजा भी मिलता है, IPC केसेस भी बुक करो बोल के हमारे को इंस्ट्रक्शन है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट क्या है, नौजवान बच्चे भी ज़्यादा नहीं घूमना है। और पेरेंट्स को भी हमारा काउंसलिंग दिए थे, बच्चों को गाड़ियाँ नहीं देना, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है वायरस से, इससे दो तीन कंट्रीज पूरा तो प्रॉब्लम में फंस गए ऐसे है, अपना इंडिया भी और तेलंगाना खास करके अपना ओल्ड सिटीज़ पॉपुलेशन ज़्यादा रहता तो उस वजह से हम पूरे लोगों से हम और ज़्यादा केयर लेना है, केयर नहीं लिए तो अपने को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। उस वजह से हमारा गुजारिश क्या है पब्लिक से, घर में से कोई भी नहीं निकलना है, घर में रह के ये कंप्लीट वायरस पूरा डेड होने के बाद में अपना रेगुलर वर्क एज इट इज कर लेना पड़ता है।